प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्राविधिक कला यानी टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग में हम पढ़ेंगे कोण, कोण जिसे एंगल भी कहा जाता है। तो कोण किसे कहते हैं? दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी दो सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उन रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की भुजाएं arms of an angle, किसी कोण को बनाने वाली दो रेखाएं, किसी कोण को बनाने वाली दो रेखाएं उस कोण की भुजाएं कहलाती हैं। कोण का शीर्ष vertex of an angle, किसी कोण को बनाने वाली दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। किसी कोण को बनाने वाली दो रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु उस कोण का शीर्ष कहलाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ये कोण बना है ए बी सी, तो ये जो जगह है ये शीर्ष है और ये कोण है और ये जो दोनों है ये भुजा है। यानी ये दोनों भुजाएं हैं, ये कोण बना है और ये शीर्ष है। कोण के प्रकार कोण छह प्रकार के होते हैं। वैसे कोण सात भी कहा जाता है, एक शून्य कोण भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे छह कोणों के बारे में। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण को कहा जाता है एक्यूट एंगल। जीरो अंश से लेके 90 अंश के बीच के प्रत्येक कोण न्यून कोण कहलाते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये न्यून कोण है, यानी यहाँ से जीरो अंश से लेकर जो भी 90 अंश के बीच में जो भी कोण बनेगा, जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, ये सब न्यून कोण है। सेकंड है समकोण। समकोण को इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल। 90 अंश का कोण या 90 अंश के माप के कोण को समकोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये समकोण है, इसमें ये भी समकोण है, इस साइड से हम यदि बनाते हैं तो ये भी समकोण बनेगा, यानी 90 अंश का कोण है। थर्ड है अधिक कोण। अधिक कोण को हम बोल सकते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। इंग्लिश में इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। 90 अंश से अधिक और 180 अंश के माप के बीच का प्रत्येक कोण अधिक कोण कहलाता है। ये देखिए, इसको यहाँ पे ये जो कोण बना है ए बी सी, इसमें ये 120 अंश का दिखा रहा है। अब 90 से अधिक जो भी हो, 120, 130, 140 इस तरह करते हुए 170, यहाँ तक कि 179 तक का सभी कोण अधिक कोण है। फोर्थ है सरल कोण अथवा रिज कोण, इसे स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है। ये 180 अंश के कोण को सरल अथवा रिज कोण कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा ये चित्र है, ये ए ए, ये बी, ये सी, यहाँ पे ये जो कोण बना है ये 180 अंश, इधर से भी 180 अंश बनेगा, इधर से भी, यानी जो सरल रेखा ये कितने अंश का है, 180 अंश का है। फिफ्थ है वृहद कोण या प्रत्यावर्ती कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 अंश से अधिक 360 अंश के माप के बीच के प्रत्येक कोण वृहद या प्रत्यावर्ती कोण कहलाते हैं। इसमें देखिए, ये वृहद कोण बना है, तो इसमें इधर नहीं, ये पूरा जो कोण है, जैसे 330 का कोण है, 320, 310 या उससे अधिक हम बढ़ेंगे तो 270, ये सब वृहद कोण के अंदर आएगा। यानी ये वृहद कोण कितना होता है, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है। सिक्स्थ एंड लास्ट कोण है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को क्या कहा जाता है, फुल रोटेशन या कंप्लीट एंगल। यानी 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ देखिए आप, ये 360 अंश का ये जो पूरा ये राउंड है, ये राउंड हमारा 360 अंश का है, यही संपूर्ण कोण है। तो इस प्रकार ये कोण हम लोग छह प्रकार का पढ़े हैं, और ये जो जीरो
अंश का कोण होता है उसको लेके कोण सात प्रकार भी हो सकता है। अब इन कोणों के अलावा हम एक दो कोण और जानेंगे जिसमें ये है आसन कोण। आसन कोण अथवा संलग्न कोण, दो कोण आसन कोण अथवा संलग्न कोण कहलाते हैं। इस चित्र में देखिए जैसे ये दो कोण है ए बी सी या सी बी ए, तो ये दो कोण जो है आपस में संलग्न है तो इसे हम आसन कोण या संलग्न कोण कहेंगे। और फिर ये देखिए दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण या संपूर्ण कोण। तो इसमें ये चित्र में देखिए ये दोनों आमने सामने जो है ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है और ये दोनों आपस में। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, मान लीजिए इस बिंदु पर काटती है, तो उन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को क्या कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। बिंदु पर बने आमने सामने के कोण को ही शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ए और इसको मान लीजिए डी, डी ने ई, ए ई सी और डी ई डी, ये शीर्षाभिमुख कोण यानी सम्मुख कोण है। तो इस प्रकार आप शीर्षाभिमुख कोण आसन कोण जान गए हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं ये भी आप जान गए हैं। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं कि न्यून कोण कितने अंश का होता है या कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण का शीर्ष किसे कहते हैं, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन इस पे तैयार हो जाएगा। संपूर्ण कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आप इसको पढ़ लेंगे तो उसका आंसर आप आराम से अपने आप ही लिख लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।